हिम ऊर्जा द्वारा ग्रिड से जुड़े छत पर लगाए जाने वाले सोलर पावर कार्यक्रम के अंतर्गत मंडी के सेरी मंच पर दो दिवसीय मेला आज संपन्न हो गया। समापन अवसर पर बहुउद्देशीय परियोजना ऊर्जा एवं गैर पारंपरिक ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा लोगों को सस्ती दरों पर बिजली उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिवर्ष लगभग 500 करोड़ रुपए का उपदान प्रदान किया जा रहा है ताकि लोगों पर अधिक आर्थिक बोझ न पड़े। उन्होंने कहा कि ग्रिड से जुड़े छत पर लगने वाली सोलर पावर प्लांट कार्यक्रम से हिमाचली युवा उद्यमियों को हिम ऊर्जा की सूची में डालना तथा रोजगार के अवसर प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि ऊर्जा की केंद्रीय नीति के अनुरूप ग्रिड से जुड़े छत पर लगने वाले सोलर प्लांट द्वारा देश के 40 गीगावाट बिजली पैदा करने के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में राज्य सरकार ने भी प्रयास करने शुरू कर दिए हैं तथा इसे अपनी ऊर्जा नीति में भी अधिसूचित किया गया है। ग्रिड से जुड़ा 1 किलोवाट प्रतिदिन 4.5 से 5.5 यूनिट बिजली उत्पादन कर सकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा सोलर पावर प्लांट पर 70% उपदान प्रदान किया जाता है तथा 4000 रुपए प्रति वाट प्रदेश सरकार देगी। इसे एक बार लगाने पर 25 से 30 वर्षों तक इसमें विद्युत उत्पादन किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा का घर में ही उत्पादन करके उसका प्रयोग करें तथा अतिरिक्त बिजली को विद्युत बोर्ड को दें, जिसका उन्हें भुगतान भी किया जाएगा, जिसकी लाभार्थियों को आय भी प्रदान होगी। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी। इस वर्ष 250 गांवों में स्ट्रीट लाइटें लगाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा धीरे धीरे सभी गांवों में यह कार्य पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के कम वोल्टेज वाले क्षेत्रों में योजना कारगर साबित होगी। उन्होंने अधिकारियों से आह्वान करते हुए कहा कि वे योजना के बारे में अधिक से अधिक प्रचार करें ताकि पात्र लोग इसका लाभ उठा सकें। इस अवसर पर अनिल शर्मा ने पात्र 2000 उपभोक्ताओं को स्वीकृत पत्र प्रदान किए। हिम ऊर्जा के निदेशक KL ठाकुर ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया तथा योजना की विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर विधायक जवाहर ठाकुर, नगर परिषद अध्यक्षा सुमन ठाकुर, पार्षदगंज, जिला भाजपा अध्यक्ष रणवीर सिंह ठाकुर, भाजपा मंडला अध्यक्ष मनीष कपूर, जिला भाजपा महामंत्री चेतराम, उपमंडला अधिकारी नायब मदन कुमार भी उपस्थित रहे। हाउस के ऊपर लगना है वो हमारा 10 मेगावाट तक का हमारा जो है टोटल है, और जो हमने प्राइवेट सेक्टर को दिया है वो 20 मेगावाट तक का, और हमें टारगेट के हिसाब से क्योंकि ऊना में सरकारी भवनों के अंदर लगभग हमारा 455 किलोवाट का वहां पर अभी करके आया हमने वहां पर, और जो आज आप देख रहे हैं शिमला के अंदर और मंडी के अंदर मेरा लगाया है, और यहां पर लोग उत्साह देखते हुए हमें लगता है कि टारगेट हम अचीव करेंगे, और एडिशनल टारगेट भी हम सेंट्रल गवर्नमेंट से लेंगे कि हमें इसमें करेंगे, क्योंकि लोगों में सबसे बड़ी बात है कि लोन का 30% हुआ करता था, इसको रिवाइज किया हमने कि लगभग लोन के ऊपर यदि 5 किलोवाट का किसी का लोन है तो 100% लगाएगी, और इसी हिसाब से हमने 10 किलोवाट का रखा, और 10 किलोवाट से ऊपर जितने हैं 50%, इसलिए अब लोगों पे उत्साह भी है और लोगों को इसकी जानकारी दी कि 4-5 सालों के बाद ये आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिशियल हुआ, लगातार आपको फ्री में आपको बिजली जो है घरों में उपलब्ध होगी। इस तरीके लगता है कि जो टारगेट के हिसाब से हमने किया, और सबसे बड़ी बात है कि प्रदेश सरकार ने जो बजट के अंदर प्रावधान किया कि 4000 पर किलोवाट जो है उसको यदि बजट के अंदर प्रावधान किया तो लगभग 80% जो है वो सब्सिडी हमें प्राप्त हो रही है, मात्र 20% लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और दूसरा कंसेप्ट मैंने बताया जो कि है कि गांव के अंदर भी हम स्ट्रीट लाइट का भी करने जा रहे हैं, उससे भी हमें लगता है कि गांव के अंदर पंचायतों के अंदर जैसे 250 गांव पंचायतों को हम जो है स्कूल का सभी बस्तियों को जो कि मात्र 40,000 और वो भी 14 जिले उससे कंट्रीब्यूट करेंगे विधायक निधि से, और दूसरे भी हम जनरल बस्तियां हैं वहां जो भी आएगा उन सभी को हम जो है वहां प्रयास करेंगे कि उनको 1 लाख रुपया 14 जिले से डालेंगे, और हम 20-20 लाइटें स्ट्रीट लाइट एक एक रूट बनाते जाएंगे, और इसके हिसाब से जितनी भी पंचायतें हैं जितने भी गाँव हैं उनको एक स्ट्रीट लाइट का एक कॉन्सेप्ट जो है प्रदेश के अंदर हम करने जा रहे हैं।